से आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस कौमी हीरो के बारे में बात करूंगी वो है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ही इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। आप 25 दिसंबर 1876 को शहर कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम पूजे जिन्ना था। आप अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। आपने बकायदा तालीम कराची मिशन हाई स्कूल से हासिल की। फिर आला तालीम के लिए आप यूके चले गए। 1896 में यूके से लॉ की डिग्री हासिल की। ये वो टाइम था कि आपने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आपने मुंबई से वकालत का आगाज किया। उनकी नजर में आजादी का सही रास्ता कानूनी और आईनी हथियारों का इस्तेमाल था। इसी दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई। 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान पेश हुई। यहाँ से पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख शुरू हुई। 1940 के बाद कायद आजम टीबी का शिकार हो गए। उनकी एक बहन और उनके कुछ करीबी दोस्त उनकी इस बीमारी से वाकिफ थे। आपकी अंतक मेहनत और कोशिश के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। तबीयत के ठीक ना होने की वजह से आप ज़्यादा देर तक पाकिस्तान बनने के बाद जिंदा ना रह सके। 11 सितंबर 1948 को आप वफात पा गए। आपका मज़ार कराची में है। हज़ारों लोग उनके मज़ार पे रोज़ फातिहा पढ़ते हैं। आपका ये कॉल बहुत मशहूर है, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। उनके इस कॉल के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को ईमान के जज्बे से सरशार होना चाहिए और पूरी कौम को मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए और हर काम अपने मुकर्रा वक्त पे करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज की मेरी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अभी चलते हैं झूलों की तरफ।